नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे की बात करते हैं। हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका से राहुल गांधी वार पर वार कर रहे हैं और हजारों किलोमीटर दूर दिल्ली में 56 इंच का एक सीना तार पर तार हो रहा है। पहले क्या होता था? पहले नरेंद्र मोदी विदेश जाते थे, वो विपक्ष पर ताने कसते थे, यहां पर कांग्रेस खींचती रहती थी, बीजेपी वाले खुश होते रहते थे, कांग्रेस आरोप लगाती थी कि मोदी जी देश का अपमान कर रहे हैं, बीजेपी नकार देती थी इस आरोप को। अब उल्टा हो रहा है, राहुल गांधी विदेश में जाकर तंज पर तंज कस रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, छात्रों के बीच तंज पर तंज कस रहे हैं, यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी घूम रहे हैं, और बीजेपी यहां बिलबिलाई हुई है, खींच रही है, देश का अपमान बता रही है, और कांग्रेस मुस्कुरा रही है। कांग्रेस ने इग्नोर कर दिया इन आरोपों को। ऐसा लगता है कि कुल मिलाकर मुद्दा ही नहीं रह गया कि विदेश में जाकर अब कोई नेता भारत के बारे में जो भी कहे वो कोई मुद्दा ही नहीं रह गया है। गोदी मीडिया, मोदी मीडिया जो राहुल गांधी की खबरें नहीं दिखाता, और पहले से भी शायद तय था कि राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा को कवर नहीं किया जाएगा, लेकिन बात ही कुछ ऐसी की कवर करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि वो मोदी पर तंज कर रहे हैं, मोदी के लोग रिएक्ट कर रहे हैं। अब मोदी के लोगों का सिर्फ रिएक्शन दिखाएंगे और जो राहुल गांधी ने नहीं जो कहा उसे नहीं दिखाएंगे तो बात कैसे बनेगी? अजीब फंसा दिया है। दलितों का मुद्दा उठा रहे हैं राहुल गांधी, मुसलमानों का मुद्दा उठा रहे हैं, नफरत का मुद्दा उठा रहे हैं, अहंकार का मुद्दा उठा रहे हैं। एक दुकान हिंदुस्तान में मोहब्बत की खोली थी, एक दुकान अमेरिका में भी जाकर खोल ली है। इसकी एक ब्रांच अब अगले कुछ समय में ब्रिटेन में खोलने वाले हैं, मिडिल ईस्ट के देशों में जाने वाले हैं, तो यहाँ सब जगह दुकानें खुलने वाली हैं। पेगासस का इश्यू उठा रहे हैं, तंज कस रहे हैं कि मैं तो ऐसा लग रहा है कि मैं नफरत है, अहंकार है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं बीजेपी की बैठक में बैठा हूं और मन की बात कर रहा हूं। या फिर वो ब्रह्मांड वाला कि ब्रह्मांड ईश्वर को भी कंफ्यूज कर देंगे कि ये ब्रह्मांड कैसे बनाया। पेगासस जासूसी वाली बात भी, अपना आईफोन उठा के हेलो मोदी जी ये सब कर रहे हैं कि आप मेरा फोन तो नहीं टैप कर रहे, खैर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो तमाम इश्यू, नई संसद वाला इश्यू, वहां जाकर उन्होंने कह दिया कि मैं पहला शख्स हूं जिसको क्रिमिनल डिफेमेशन के केस में मैक्सिमम 2 साल की सजा मिली। मैं अब सांसद नहीं हूं और मैं बहुत खुश हूं कि मैं इससे मुक्त हो गया हूं। तो कुल मिलाकर वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी ने सियासी रूप से कितनी गलत चाल चल दी, 2 साल का उनको डिफेमेशन का केस पे सजा दिलवाकर और उसके बाद आनन फानन में संसद की सदस्यता से बर्खास्त करके और फिर आनन फानन में 1 महीने में मकान खाली करवाकर। बीजेपी को क्या लगा होगा कि राहुल गांधी गड़गड़ाने लगेंगे, पैरों में पड़ने लगेंगे, लेकिन राहुल गांधी तो और मुक्त हो गए, और आज़ाद हो गए, और बड़ा विजन हो गया, और उनके साथ जनाधार जुड़ गया। लेकिन अमेरिका के दौरे में सबसे बड़ी बात जो आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि प्रधानमंत्री भी जाते हैं, भारी संख्या में भीड़ जुटती है, वहाँ वो भाषण देते हैं, आयोजित प्रायोजित जो भी भीड़ होती है, और लोग ताली बजाते हैं। राहुल गांधी जो यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी घूम रहे हैं वहाँ भी बड़ी संख्या में छात्र आ रहे हैं, छात्र भी वैसे ताली बजा रहे हैं, और उसमें बहुत से लोग तो वो भी शामिल हैं जो कि मोदी की रैलियों में भी या उनकी सभाओं में भी भाग लेते रहे हैं। मेजर फर्क क्या है? मेजर फर्क यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में भी प्रेस को संबोधित नहीं करते, देश में भी वो जनता से सीधा संवाद नहीं करते, जनता से सवाल लेने की कोशिश, उनके जवाब देने की कोशिश नहीं करते, और अमेरिका जाकर भी वो यही करते हैं कि जनता के बीच जाकर उद्बोधन होता है, संबोधन होता है, प्रवचन होता है, मन की बात होती है, लेकिन वहां से कोई सवाल नहीं लिए जाते। तो अमेरिका की यूनिवर्सिटी के लोग प्रधानमंत्री को बुलाते ही नहीं है, वो राहुल गांधी जैसे लोगों को बुलाते हैं ताकि छात्रों के साथ संवाद हो सके, छात्र को सीखने का मौका मिल सके, छात्रों के दिल की बात और वो जो
सवालों के जवाब चाहते हैं जो वो भारत के बारे में सोचते हैं, भारत की सामरिक नीति, भारत की आर्थिक नीति, भारत की विदेश नीति, भारत की दलितों के प्रति नीति, भारत की प्रेस की फ्रीडम को लेकर नीति, भारत की लोकतंत्र को लेकर नीति, ये तमाम सवाल उनके दिमाग में होते हैं। तो ये इंटरेक्शन होता है। तो हो सकता है कि राहुल गांधी के इस दौरे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबक लें और कुछ इंटरेक्शन का सिलसिला शुरू करें, क्योंकि जो बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, जो मजबूत लोकतांत्रिक देश हैं, जो सच्चे अर्थों में लोकतांत्रिक देश हैं, वहाँ इस चीज़ को बहुत बढ़ावा दिया जाता है कि जो नेता आए या जो भी शख्सियत आए उनसे सवाल जवाब हो। और संवाद ही नहीं होगा तो लोकतंत्र कैसे जिंदा रहेगा? लोकतंत्र का आधार ही कुल मिलाकर सवाल है। राहुल गांधी का दौरा जिसने भी डिसाइड किया उसकी पीठ थपथपाई चाहिए कांग्रेस के एंगल से, क्योंकि इस बार प्रधानमंत्री का स्टेट दौरा हो रहा था, वो स्टेट गेस्ट थे। 2009 से पहले भी एक बार मनमोहन सिंह गए थे, वो भी स्टेट गेस्ट थे। जब स्टेट गेस्ट होते हैं तो वहाँ के राष्ट्रपति के साथ मिलकर सामूहिक कार्यक्रम होते हैं, दोनों उसमें शिरकत करते हैं और ये बहुत बड़ी बात होती है। और इसको चुनावी साल में अमेरिका के दौरे को, मोदी के अमेरिका के दौरे को बीजेपी एक बहुत बड़ी कामयाबी, एक बहुत बड़े रूप में प्रस्तुत करने वाली थी, जिसमें गोदी मीडिया, मोदी मीडिया तो स्वाभाविक है पहले भी साथ देता रहा, पीछे पीछे चलता रहा, इस बार भी चलता, और बहुत बड़ी अचीवमेंट के रूप में सामने रखने वाली थी। और अमेरिका के जो बाइडन है उनको भी अगले साल चुनाव झेलना है, तो वो भी भारतीयों को कुछ रियायतें देने वाले थे, भारत को भी कुछ जेट इंजन से संबंधित या कुछ और चीज़ों को लेकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने वाले थे, जो करेंगे अब भी करेंगे, लेकिन इस पर पानी फेर दिया इस रूप में कि उसकी जो रंगत है अभी से फीकी कर दी गई है। अमेरिका किसी को यूं आसानी से कुछ भी नहीं देता, और टेक्नोलॉजी देने मामले में तो अमेरिका बहुत ज़्यादा कंजूस है, लेकिन जब गर्दन गले में फंसती है, गर्दन फंसती है जब, तो फिर आदमी को बहुत कुछ याद आने लगता है। बाइडेन को चुनाव भी जीतना है और 4.5 लाख के आसपास भारतीय वह रहते हैं, जिसमें से 51% हिंदू हैं, 10% मुसलमान हैं, 7-8% ईसाई हैं, बाकी 10% ऐसे लोग हैं जो अपने आप को किस धर्म का है वो घोषित नहीं करते। तो ये आमतौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी का साथ देते रहे हैं, और राहुल गांधी जहाँ जा रहे हैं वहाँ डेमोक्रेट पार्टी के समर्थक भी हैं और रिपब्लिकन पार्टी के समर्थक भी हैं, और उनके बीच में जाकर एक नई तस्वीर भारत की पेश कर रहे हैं, जिसको बीजेपी झूठी तस्वीर कह रही है या आधी सच्ची आधी झूठी तस्वीर कह रही है। कुछ लोगों का कहना है कि राहुल गांधी पॉलिटिशियन है, वो कोई एकेडमिशियन नहीं है, अर्थशास्त्री नहीं है, कोई पत्रकार नहीं है कि सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स पेश करें जो उनको सूट करेगा। अर्थसत्य का मतलब ये नहीं होता कि उसमें आधा झूठ शामिल है, अर्थसत्य का मतलब पॉलिटिकल लैंग्वेज में होता है जो आधा सच हो, यानी आधी चीज आप छुपा जाएं, जैसे मोदी जी भी करते हैं, बहुत चतुराई से आधी चीजें सुझा को ढक देते हैं। जैसे भारत का कह देंगे कि साहब आयात रिकॉर्ड तोड़ हो गया है, तो ये छुपा जाएंगे कि भारत का, माफ कीजिए, भारत का एक्सपोर्ट, भारत से निर्यात रिकॉर्ड तोड़ हो गया, महाकामयाबी है, इससे पता लगता है कि भारत की अर्थव्यवस्था कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। लेकिन यहाँ ये भूल जाते हैं या झुटला देते हैं या छुपा देते हैं इस तथ्य को कि अगर एक्सपोर्ट रिकॉर्ड तोड़ हो गया है तो इम्पोर्ट भी रिकॉर्ड तोड़ हो गया है, उसको भुला देंगे, फिर कहेंगे कि हमने तो सच्ची बात कही, हमने तो ये फैक्ट रखा है ना, इसको आप कैसे झुटला सकते हैं। तो राहुल गांधी के ट्रैप में क्या मोदी फंस गए हैं? क्या राहुल गांधी एजेंडा सेट करने लगे हैं? अब भारत जोड़ो यात्रा हुई, अमेरिका में बहुत जिज्ञासा है कि एक शख्स 3,000 किलोमीटर, वहाँ ऐसा इस तरह की यात्राएं होती नहीं है, कोई राष्ट्रपति का उम्मीदवार इस तरह की यात्राएं करता नहीं है, कोई सेनेटर भी नहीं करता, कैसे भारत को जोड़ दिया, कैसे हिमाचल जीत गए, कैसे कर्नाटक जीत गए, और उन सबकी नज़रें थी और वो राहुल गांधी से जानना चाहते थे, पूछना चाहते थे। और भारत जोड़ो यात्रा के बहाने राहुल गांधी ने क्या क्या सीखा, इस बहाने उन्होंने अपनी राजनीति को भी बड़ी चतुराई से साधने की कोशिश की है, अपने वोट बैंक का विस्तार करने की कोशिश की है, लोगों के दिलों में जगह बनाने की कोशिश की है। अमेरिका भी नस्लवाद के दौर से गुजर रहा है, अमेरिका में भी ब्लैक लाइव्स मैटर और इस तरह के जो कई मूवमेंट खड़े हुए हैं, तो अमेरिकी लोगों को भी ये मोहब्बत, भाईचारा, प्यार, फैमिली वैल्यूज़, परिवार के मूल्य, ये सब बहुत ज़्यादा भाता है। और राहुल गांधी इन्हीं इश्यू को उठा रहे हैं जिनका संबंध
यहां से नहीं है, यहां दिल से है। और ये बातें बहुत भाती हैं, तो इस चीज को भी राहुल गांधी उठाने की कोशिश कर रहे हैं और एक लंबी लकीर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वहां का जो इंडियन डायस्पोरा था वो मोदी जी की नजर से भारत को अब तक देखता रहा था, अब उसमें से एक बड़ा वर्ग है जो राहुल गांधी की नजर से भी भारत को देखने लगा है और उसको पता लगा, अच्छा ये भी है क्या, ऐसा भी होता है क्या, ये चीज छुपाई गई थी क्या। तो कुल मिला के बहुत से भ्रम टूट रहे हैं। ये अच्छी बात है, बुरी बात है, ये आप तय करें। बीजेपी के हिसाब से बुरी बात है, कांग्रेस के हिसाब से अच्छी बात है। चलिए, शुक्रिया। मेरा ये वीडियो देखने के लिए पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ये जो घंटी जैसी आकृति है बेल आइकन इसे दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको इसकी जानकारी मिल जाए। विद्रोही7 मेरा ट्विटर हैंडल है, विजय विद्रोही7 इंस्टाग्राम पर हूँ और फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।